अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे वेज बर्गर पैटीज। तो हमें चाहिए एक बड़ा ओनियन चॉप किया हुआ, 3 से 4 लहसुन की गली चॉप की हुई, 1/2 किलो आलू उबले हुए और 1/2 किलो से ज़्यादा मिक्स वेजिटेबल, उसमें है वटाना, गाजर, फ्लावर, फ्रेंच बीन्स, ये सब मैंने उबाल ली पहले से। तो अब हमें तैयार करना है, तो चलिए हम कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालेंगे और तेल के गरम होने पर हम उसमें लहसुन ऐड कर देंगे और लहसुन के बाद फौरन हम उसमें ऑनियन भी ऐड कर देंगे ताकि हमारा लहसुन ज़्यादा ब्राउन नहीं हो। तो अब हम ऑनियन को 2 से 3 मिनट भुनेंगे अच्छे से। हमारे घर में मतलब बच्चों को दोनों को जैसे बहुत ज़्यादा पसंद है, या तो नॉन वेज जो पैटीज बनती है इसकी, वो भी चिकन वाली और वेज भी, ज़्यादातर मैं वेज ही, क्योंकि वेज खाने में लोगों को बहुत ज़्यादा नाटक आता है बच्चों को, इसलिए मैं वेज ही बर्गर बनाती हूँ, नॉनवेज ज़रा कम बनाती हूँ। तो ये देखिए, अब मेरा बात करते करते तो पिंकनेस आ गया था ऑनियन में, और ये बॉईल की हुई मिक्स वेजिटेबल मैंने ऐड कर दी हूँ। तो इसको भी हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ा चम्मच चलाएंगे, मतलब वो इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ा भी पानी, जो भी पानी ना, वो सूख जाए, नहीं तो फिर हम उसकी पैटीज बनाएंगे ना, टिकिया जो भी, तो वो अगर पानी रहता ना तो वो टूट जाती है, बनती नहीं अच्छे से। तो इसके लिए हम इसका पानी ऑलमोस्ट पूरा सूखा देंगे 2 से 3 मिनट, और जब इसका पानी सूख जाए तो इसके अंदर हम 2 चम्मच मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच नमक। तो ये देखिए, मैंने मिर्ची पाउडर और नमक और साथ ही साथ इसमें 1/2 चम्मच चाट मसाला भी डाल देना, तो चाट मसाले से अच्छा टेस्ट आता है। तो अब हम इसके इसको 2 से 3 मिनट इसको भी चम्मच चलाएंगे, इसको मतलब अच्छे से इसका मिक्स कर देंगे उसमें, क्योंकि हम पाउडर डालें ना, मिर्ची पाउडर और नमक, तो अच्छे से मिक्स होने के बाद फिर तैयार है। दम इजी, बहुत ही इजी है ये बर्गर पैटीज। तो आप एक बार अपने घर पे ज़रूर बनाना इस तरीके से, तो आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा और एकदम यम, एकदम टेस्टी भी। तो हाँ, मैं आपको तो एक बात बताना भूल गई कि मिर्ची पाउडर तो डाल दी थी, मगर मैंने हल्दी नहीं डाली थी उसमें, मतलब हल्दी नहीं बताई थी। तो फिर बाद में मैं देखो इसमें हल्दी भी 1/2 चम्मच डालना, तो येलो पैटीज बनती है ना, तो बर्गर की अच्छा लगता है, कलर भी अच्छा आता है। तो आप याद से 1/2 चम्मच हल्दी उसमें डाल देना, और मैश किए हुए आलू आपको बताई थी ना, वो बीच में ऐड कर देंगे। फिर 3 से 4 मिनट मिक्स मैश किए हुए आलू को ऊपर से नीचे करके अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि उसमें सब वेजिटेबल, नमक, मिर्ची, जो भी हम सब डालें, वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और जब ये हो जाए तो हम इसको अच्छे से मैश कर देंगे। ये देखिए, तो आपके पास मैश करने के लिए जो है आप उसे मैश कर लेना अच्छे से। तो ये मैंने इसको अच्छे से मैश कर दी थी ताकि पैटीज बनाने में बर्गर की तकलीफ नहीं। तो ये देखिए, मेरी बर्गर पैटीज टोटल 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-8 बनी थी। तो ये है 2 चम्मच मैदा, और इसमें हम थोड़ा सी नमक डाल देंगे, और ये है ब्रेड क्रम्स। तो चलिए अब बनाते हैं। तो हमने फ्राई पैन रखे, फ्राई पैन पर हल्का सा ऑयल डालना ताकि हमारी पैटीज चिपके नहीं, बर्गर पैटीज। तो ये है देखो, और हाँ, टिक्की बना के ना एक बार उसको फ्रिज में ना ज़रूर रख देना ताकि वो सेट हो जाए। तो मेरे पास टाइम नहीं था ना, तो मैंने डायरेक्ट ऐसे ही बना दी, तो ये देखिए तो हल्की सी ना लूज टूटने लग गई थी। फिर बाद में जो बचा था ना, तो मैं उसको फ्रिज में रख दी थी 15 से 20 मिनट, तो अच्छे से वो सेट हो गई थी, तो ये मेरा टूट गया था। तो अब मैं जो आगे दूसरी पैटीज बना के बताऊँगी ना, वो देखिए अच्छे से एकदम कड़क है, वो टूटती नहीं। तो याद से आप इसको ना पैटीज बना के 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने रख देना, तो ये टूटती नहीं, अच्छे से बनती एकदम। तो बस आप उसमें डिप कर कीजिए मैदे के पानी में, और फिर ब्रेड क्रम लगाइए, और फिर फ्राई पैन पे रख दीजिए, इजी। ये देखिए, तो ऐसे करते करते मैंने चार आ गई थी मेरी फ्राई पैन पे, और जैसा आपको अगर सही लगे 3 भी रख सकते हो, 2 भी। तो ये सब देखो, एक तो टूटी थी और बाकी सब फ्रिज में रखी थी ना, तो वो मैंने उसमें ऐड कर दी थी, एकदम अच्छी गोल और टूटी भी नहीं, एकदम अच्छे से बनी थी। तो ये है हमारी बर्गर पैटीज तैयार, ये फर्स्ट वाली जो टूट गई थी, बाकी 3 अच्छे से सेट हो गई थी फ्रिज में, और ऐसी अच्छा सा कलर आना चाहिए एकदम, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा कलर आया, देखिए
और हम उसको बंस को कट करके थोड़ा मस्का डाल के उसको भी हम इस पे ही सेक लेंगे। तो ये देखिए मैं बताई ना, तो ऐसा बीच में से उसको बंस को कट करके थोड़ा मस्का डाल के बटर और उसको हम सेक लेंगे अच्छे से, ऐसा कलर आना चाहिए एकदम। तो इसके सेकने के बाद इसका जो सॉस है ना, मैं हमेशा आपको बताती हूँ, सॉस अगर अवेलेबल नहीं हो आपके पास तो टमाटो सॉस तो सबके पास रहता है और मायोनीज, वो दोनों को मिक्स करके हम उसकी सॉस बना सकते हैं। तो ये चार और थी पैटीज, मैं आपको बताई थी ना 7 से 8 मेरी बर्गर पैटीज बनी थी, तो 4 तो हो गई थी और 4 ये, तो वो भी मैंने रख दी थी। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि बर्गर पे ये जो सॉस है टमाटो सॉस और मायोनीज से एकदम मीडियम मीडियम दोनों भी लेना, 2 चम्मच अगर टमाटो सॉस तो 3 चम्मच मायोनीज लेना। और हम ये इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे, और ये है ऑनियन, 2 ऑनियन की स्लाइस, 2 टमाटो की स्लाइस रख देंगे। और हाँ, मैंने वो क्या बोलते हैं पत्ता गोभी ना, लेटेस्ट खाते नहीं हैं लोग, तो वो मैंने रखी नहीं बच्चे लोग, तो बस मैंने यही रखी थी ऑनियन और टमाटो, और उसके ऊपर फिर वो पेटिस और फिर चीज़ की स्लाइस, फिर बस बर्गर हमारा तैयार एकदम। तो ये देखिए मैं आपको रख रख के बता रही हूँ, तो आप भी इसी तरह से बनाना तो आपको अच्छा लगेगा, और हाँ बहुत ही टेस्टी भी था, यम एकदम बहुत ज़्यादा दोनों बच्चों को अच्छा लगा था। तो आप भी अपने बच्चों के लिए इसी तरह से बनाना, और इसमें कुछ ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी, बस घर की सब चीज़ें, तो आपको कुछ ज़्यादा बाज़ार से लाना तो नहीं पड़ेगा। हाँ ये है कि चीज़ स्लाइस ये लाना तो पड़ेगा, अगर ये भी अवेलेबल नहीं हो तो फिर आपके पास जो चीज़ है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैंने चीज़ स्लाइस रख दी थी, और फिर इसके ऊपर वो वापस से इसमें भी थोड़ा सा आप सॉस लगाना, ये देखिए हल्का सा ज़्यादा नहीं सॉस लगा के फिर दोनों बच्चों को मैंने तैयार करके दे दी थी, और दोनों भी खा के बोले बहुत ही अच्छा बनाया मम्मी। तो आप भी अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाना वेज बर्गर पैटीज। तो आपको मेरा वेज बर्गर पैटीज कैसा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।